हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग कोटा से रिलेटेड एक न्यू अपडेट ये आ रहा है कि नीट का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो कि कल रिलीज होने वाला था, एमसीसी ने उस रिजल्ट को आज ही डिक्लेयर कर दिया गया है। रिजल्ट देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट फॉर द नीट राउंड टू यूजी मेडिकल काउंसलिंग यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो रिजल्ट के साथ बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ 580 प्लस यहाँ पे रहा है, जिसमें 580 में जिसमें कुछ स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉटेड हो गया है जिनके मार्क्स बायो में ज़्यादा थे, कुछ 580 वाले स्टूडेंट जो थे वो रह गए। अदर कैटेगरी का कट ऑफ ओबीसी का थोड़ा सा 580 से कम रहा है। एससी एंड एसटी कैटेगरी का भी हम देख रहे हैं, हम आपको बता देंगे। अलॉटमेंट रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया गया, लेकिन आपकी फर्दर काउंसलिंग प्रोसीजर में कोई भी चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कॉलेज में रिपोर्ट करने का जो शेड्यूल रहेगा वो सारा का शेड्यूल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का वो सेम रहेगा, कोई भी शेड्यूल में आगे चेंज नहीं किया गया है। अगर सेकंड राउंडिंग के अलॉटमेंट रिजल्ट से रिलेटेड कोई नया अपडेट आता है वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें।